9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मक्सी रोड पर चिरावत के पास बीती रात शादी समारोह में शामिल होकर तराना लौट रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई, जिससे कार में सवार 5 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतक दोनों पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी। जानकारी के अनुसार सीहोर में शादी समारोह में शामिल होकर तराना लौट रहे बद्रीलाल पिता नंदलाल सोनी उम्र 62 वर्ष, उनका बेटा निलेश सोनी उम्र 46 वर्ष, समता पति निलेश सोनी उम्र 40 वर्ष, कृष्णा पिता निलेश सोनी उम्र 14 वर्ष, शिवाय पिता निलेश सोनी उम्र 3 वर्ष, सभी निवासी नयापुरा तराना की कार को चुड़ावत के पास बुधवार देर रात 1 बजे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित सवार बद्रीलाल सोनी और बेटा निलेश सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ममता सोनी, कृष्णा सोनी और शिवाय सोनी गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां गंभीर हालत के चलते 3 लोगों को इंदौर रेफर कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर पिता व पुत्र के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। एक्सीडेंट का मामला आया था, क्या मामला था? ये चिड़ाव के यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 5 लोग थे। हाँ, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें बद्रीलाल और निलेश, जिनके पोस्टमार्टम करने के बाद उनके शव उनके परिजनों को सौंप दिए। बाकी आगे की जाँच चल रही, बाकी को गंभीर हालत के चलते रेफर किया गया था। हाँ, जिनको लगा है उनको रेफर। ठीक है, आपका नाम? डॉक्टर अजय। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।